हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे ग्लैंड्स, स्टार्टिंग विद द एंडोक्राइन ग्लैंड। हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड एंड पेनक्रियाज। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे ग्लैंड है और उसके अंदर क्या क्या आते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड एंड पेनक्रियाज। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, दीज आर ऑल द ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हर हार्मोन का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, हर हार्मोन अलग अलग मैसेज पहुंचाते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग विथ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ अ पी साइज्ड ग्लैंड सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। सो जो जहाँ हमारा ब्रेन होता है जस्ट उसके नीचे सिचुएटेड है। इट सीक्रेट अ ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है? ब्रेन के एकदम नीचे, और जो कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन, यानी जो हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है वो कौन से हार्मोन की वजह से हो रही है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से, विच इज़ सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बॉडी ग्रोथ। डेफिनेटली ग्रोथ के लिए अब हमें कौन सा हार्मोन चाहिए? ग्रोथ हार्मोन। अब यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, सपोज अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाए, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि ये जो सारे हार्मोन से बहुत ही थोड़े स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं, सपोज अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाए तो क्या होगा? बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट? अगर बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो उसको क्या बोलते हैं? जाइजेंटिज्म, मतलब बॉडी जाइंट हो जाएगी। और बॉडी अगर हम देखते हैं किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा जाइंट होती है, वो किस वजह से होती है? उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो जाते हैं। और वही अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत अगर कम सीक्रेट हुआ तो क्या होगा? ड्रॉफिज्म। ड्रॉफिज्म मतलब जो इनकी हाइट बहुत छोटी रह जाती है, या फिर या जिनकी हाइट बहुत छोटी रह जाती है वो किस वजह से रह जाती है? बिकॉज उनमें पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होता है। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू ट्रैकिया इन द नेक। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? ब्रेन के नीचे। थायराइड ग्लैंड एकदम क्लोज नेक के एकदम क्लोज सिचुएटेड है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? थायरोक्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का क्या काम है? थायरोक्सिन हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करता है। दैट इज़ हमारा जो भी डाइजेशन होता है, राइट? सो उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। वो हमारे बॉडी में कौन मेंटेन करता है? थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन ज़्यादा सीक्रेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। दिस कंडीशन causes abnormalities like simple goiter. मेनली हमें यही याद रखना है, simple goiter. अगर नेक में आपने देखा होगा या आपके बुक में टेक्स्ट बुक्स में आप इमेज दे रखी होगी, अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो नेक हमारी नेक इस हमारी जो नेक होती है वो ऐसी होती है, पर ये जो नेक है वो क्या हो जाएगी अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा सीक्रेट होगा? नेक इस तरीके से फूल जाती है, जिसको बोलते हैं goiter. तो थायरोक्सिन हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करता है, लेकिन अगर ज़्यादा थायरोक्सिन रिलीज हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? गोइटर। लैक ऑफ आयोडीन लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थायरोक्सिन जो रिलीज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कि हमारी बॉडी में कितना आयोडीन लेवल है। अगर आयोडीन हमारी बॉडी में अच्छा है तो थायरोक्सिन भी अच्छी अमाउंट में रिलीज होगा, लेकिन आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी होगी और उसकी वजह से हमें बीमारी होगी गोइटर। यानी कि थायरोक्सिन ज़्यादा या कम सीक्रेट होगा तो उससे हमें प्रॉब्लम होगी। और थायरोक्सिन का सीक्रेशन किस पे डिपेंड करता है? आयोडीन, कि कितना हमारी बॉडी में आयोडीन है। द एक्सेस सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म, इट रिजल्ट इन हाइपर मेटाबॉलिज्म, राइट? सो हाइपर थायरोक्सिन रिलीज होगा तो हाइपर थायरॉयडिज्म होगा। अगर कम थायरोक्सिन सीक्रेट होगा तो हमारे होगा गोइटर। थायरोक्सिन कितना अमाउंट में सीक्रेट होना है किस पे डिपेंड करता है? आयोडीन पे। सो हमारी बॉडी में आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। सो हमने सेकेंड कर लिया थायराइड ग्लैंड। थर्ड पैराथायराइड ग्लैंड,
देर आर फोर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. ये थायरॉयड ग्लैंड का पार्ट है जहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड सिचुएटेड है, जस्ट उसके पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है जो कि क्या सीक्रेट करता है, पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स. पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स, पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स हमारे अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को मेनटेन करते हैं. कैल्शियम आयन्स, एक्सेस ऑफ पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स रिमूव द कैल्शियम फ्रॉम बोन्स एंड मेक्स देम सॉफ्ट. सो अगर हम बोल सकते हैं जिन एनिमल्स के बोन्स सॉफ्ट है यानी उनके अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा है, ह्यूमन्स के अंदर पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स मेंटेन्ड है जिसकी वजह से बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है. अगर ज़्यादा पैराथायरॉयड हॉर्मोन सीक्रेट होगा तो बोन्स ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, राइट. सो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, हमारे कैल्शियम आयन्स को रेगुलेट करता है. नॉट सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट पेनक्रियाज, पेनक्रियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट प्रोड्यूसेस टू हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं, आयोडीन एंड इंसुलिन, क्योंकि दोनों आई से स्टार्ट होते हैं. यहाँ पे एक बार मैं डिफरेंस बता देती हूँ. आयोडीन, अगर आयोडीन हमारे किस चीज़ को मेंटेन करता है, हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन को मेंटेन करता है. हमारी बॉडी में आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा जिसकी वजह से हमें हो जाएगा गोइटर. पेनक्रियाज, पेनक्रियाज दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, दैट इज़ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है, आयोडीन हार्मोन नहीं है. इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. दीज हार्मोन्स मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल. ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, राइट. यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताई गई, इंसुलिन, अगर हमारे इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है, अगर हमारे इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है. और वहीं पर इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो हमारे शुगर हाई हो जाएगा, राइट. तो इसलिए हमें इंसुलिन प्रोवाइड करना पड़ेगा. इंसुलिन और ग्लूकागॉन हमारे हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट एड्रेनल ग्लैंड, देर आर टू एड्रेनल ग्लैंड लोकेटेड, वन इन द अपर पार्ट एंड सेकेंड इन द एंड द अपर पार्ट ऑफ ईच किडनी. जो दो हमारे एड्रेनल ग्लैंड है वो ईच किडनी में सिचुएटेड है. सो इन दोनों पार्ट को क्या बोला गया है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. कॉर्टेक्स सीक्रेट द हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल दैट रेगुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंड मेड्यूला सीक्रेट अ हार्मोन लाइक एड्रेनालिन दैट प्रिपेयर्स द बॉडी टू फेस द वेरियस स्ट्रेसफुल सिचुएशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. हमें ये याद रखना है एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रेनालिन. एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट्स एड्रेनालिन जो कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए. अगर आप नॉर्मली अगर आप रनिंग करोगे तो आप बहुत फास्ट भाग सकते हो, लेकिन अगर आपके पीछे सपोज कुत्ता पड़ गया तो आपकी स्पीड उससे भी ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होगा हमारे लेग्स के अंदर, कौन सा, एड्रेनालिन. एड्रेनालिन हार्मोन क्या करेगा, हमें ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करेगा, राइट. सो एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी को कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए मेन प्रिपेयर करता है. एड्रेनालिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड. हमें यहाँ पर खाली एड्रेनालिन हार्मोन को ज़्यादा स्ट्रेस देना है. एड्रेनालिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड. देन कम्स गोनाड्स, इट इंक्लूड टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल. मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. डेफिशिएंसी ऑफ ईस्ट्रोजन कॉजेज इनफर्टिलिटी. ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होगा या उसकी कमी होगी तो फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी, एक बेबी डेवलप नहीं हो पाएगा. प्रोसेस ऑफ हार्मोनल एक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेज देयर सीक्रीशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ये हमें पता है. अब ये जो सारे हार्मोन्स है, ये सारे हार्मोन्स एड्रेनल ग्लैंड सीक्रीट करता है हमारे ब्लड के अंदर, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये सारे हार्मोन्स को सीक्रीट किए जाते हैं.
जैसे ही हॉर्मोन्स अपने टारगेटेड साइट पर रीच हो जाते हैं, दे ब्रिंग अबाउट द नेसेसरी चेंजेस। जैसा कि अभी मैंने बताया, एड्रेनल ग्लैंड, सपोज़ अगर हमारे माइंड को पता है कि हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया, तो अब क्या होगा, हमारा एड्रेनल ग्लैंड फटाफट एड्रेनलिन सीक्रेट करेगा और वो ब्लड के साथ जाके हमारे लेग्स में चला जाएगा और वहाँ पर हमारे अंदर स्पीड आएगी। सपोज़ एग्ज़ाम्स है, अगर आप नॉर्मली बैठ के पूरा 3 आवर्स का पेपर लिखो तो आपके हैंड्स में पेन होने लग जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस समय पे हमारे हैंड्स या हमारी फिंगर्स पेन नहीं होता। जैसे हम घर पे आते हैं या एग्ज़ाम ख़त्म होती है तो हमें फील होने लगता है कि हमारी फिंगर्स पेन हो रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हमारे हैंड्स में आ जाता है जब हम एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं और हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस समय पे हम पेन को फील नहीं कर पाते, राइट? लेकिन वो हमारे हैंड्स तक कैसे आता है? थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ये हमारा एक डायग्राम दे रखा है टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज एंड ईस्ट्रोजन के रिलेटेड। आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डिस्कवरी ऑफ HIV। लेकिन उससे पहले जो आज का वीडियो है, आपको उसे बहुत अच्छी तरीके से देखना है। इनमें से एक ग्लैंड, दो ग्लैंड या 3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको इन सभी ग्लैंड्स को बहुत अच्छी तरीके से गो थ्रू करना है। आपको ये देखना है कौन से ग्लैंड कौन से हॉर्मोन सीक्रेट करते हैं, किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।